हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहे सुबह के 10 और मैं करीब उठी थी 8 बजे। तो आंटी ने अपना काम कर दिया आज मेरा काम हो गया। फिलहाल अभी मेरा थोड़ा सा रहता है इधर, बर्तन है, किचन का काम मेरा रहता है। बाहर थोड़ा सा देखो आंटी अपना काम कर गए हैं। एक साइड देखो मैंने आज निकाली है मलाई, तो यहाँ ये मलाई से मैंने निकाला मक्खन। तो यहाँ बन रहा है मेरा देसी घी और ये बन रही है मेरी चाय। इतनी लेट इसलिए क्योंकि मैंने 8:30 बजे उठी थी, तो मॉर्निंग ड्रिंक होती है मेरी, वो मैंने पी थी, जिसके बीच में मुझे 1 घंटे का गैप रखना होता है और इसलिए ये टी लेट बन रही है। तो चलो कोई नहीं, फिलहाल मैं इंजॉय करती हूँ अपनी टी। तो मिलते हैं फिर आपसे। तो गाइस अभी बज रहे सुबह के 10:30 और यहाँ चल रहा हमारा ब्रेकफास्ट। ये मेरा, ये आयरा चाय बिस्किट ले रही है, पापा हो कभी। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 12:15 और हम जा रहे हैं एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ कोई कोई जाता है, मतलब सबको नहीं पता। तो चलते हैं उस लोकेशन पे, बहुत सुंदर है। सुना तो मैंने बहुत कुछ है उसके बारे में कि बहुत सुंदर है ऐसी लोकेशन, यहाँ पंजाब में होना इम्पॉसिबल है और बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन की है। तो चलते हैं हम उस लोकेशन पे, चलो मेरे साथ। देख रहे हो कैसे पानी है, अरे नीचे नदी है भाई। गाइस देख रहे हो कैसे पानी है। गाइस ये रास्ता मुड़ता है, देखो एंजल फार्म। चलो ये रास्ता है, ठीक है, देख लो। चलो तो गाइस ऐसा रास्ता, ये रास्ता थोड़ा सा कच्चा है, आप देख लो, पक्की रोड नहीं बनी हुई है। आसपास का व्यू भी देख लो आप, ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ पर। वो सामने देखो गेट दिखाई दे रहा है, एंजल फार्म। देख लो गाइस, तो गाइस ये इसकी पार्किंग गेट के साथ में ही है। ये गेट है हमारा और ये साथ में ही पार्किंग है। तो गाइस यहाँ से एंट्री करते ही यहाँ पे मिल जाएगी आपको पार्किंग। इस साइड पार्किंग है और इस साइड एंट्री गेट है। तो देख रहे हो आप, ये अंदर जाने के लिए रास्ता है ये वाला। तो चलते हैं हम अंदर जाके, मिलते हैं आपसे। Yeah.
तो इस यहाँ पे भी थोड़ी सी पार्किंग है और ये इसकी रिसेप्शन है। बच्चे देख लेंगे कितने स्विमिंग तो नहीं नहीं तो गाइस ये है वो टिकट। तो 50 रुपीज पर पर्सन टिकट है और आप देख लो लोकेशन, इसे यहाँ बोलते हैं मिनी केरला। ये देखो कितनी प्यारी लोकेशन है गाइस। चलो यहाँ देखो तो ये बच्चों के लिए जंपिंग पॉइंट है, यहाँ बच्चे जंपिंग कर सकते हैं। बट बारिश की वजह से देख रहे हो आप कितना पानी भरा हुआ है। इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और देखो सिटिंग एरिया वो देख रहे हो, टेबल चेयर लगी है। ये देखो कितना प्यारा डेकोरेट किया हुआ, लग रहा है ना कि हम कहीं पंजाब से बाहर आए हुए हैं। अभी आपको आगे आगे दिखाती हूँ। तो इधर रेस्ट रूम की देखो फैसिलिटी है, उस साइड रेस्ट रूम है आपका और रेस्टोरेंट्स भी है। और देख लो फैमिली पार्क है, आप इंजॉय कर सकते हो अच्छे से यहाँ आके। देख रहे हो गाइस कितना प्यारा डेकोरेट किया हुआ है यहाँ पे। ओनली फैमिली पुल, तो इस साइड है आई थिंक पुल है। देख लो गाइस कितना प्यारा डेकोरेट किया हुआ, सी दैट। देख रहे हो देखो पुराने टाइप्स की अलमारियां। देख रहे हो तो गाइस देखो यहाँ पे ऐसे चरखा भी चलाया जा सकता है, आएगा चला। ये देखो कबीर को देखो मस्ती कर ला, मस्ती काबू। देख रहे हो कितनी प्यारी लोकेशन है, काफी बड़ा फार्म हाउस। तो अब आपको दिखाते हैं स्विमिंग पूल। देखो कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है ना इन्होंने। ये देखो नींबू लगे हुए। लोकेशन बहुत प्यारी है, वो देखो दिख रहा है सोनपुरी। आया पापा, तो देखो ये है पुल यहाँ का। देख रहे कुछ ऐसा है यहाँ का, ये फैमिली पुल है। Thank you.
तो गाइस आयरा दे रही है, देखो झूले। ये मैनुअली है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जिससे ये चल रहा है, खुद से धक्का देख के ये चलाना पड़ता है। देख रहे हो बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है, आप अपनी फैमिली के साथ आओ, काफ़ी इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे आके आप पिकनिक स्पॉट कर सकते हो, लाइक अपना खाना वाना बना के लेके आ सकते हो और अपना अरेंज करके आ सकते हो, लाइक सब कुछ, और आराम से इंजॉय करो। पुल भी आपके पास है और बच्चों के लिए राइड्स भी हैं काफ़ी अच्छे अच्छे, पार्क भी बहुत अच्छा है। सुबह आओ, शाम को जाओ, काफ़ी इंजॉय करो, खाओ पियो ऐश करो, काफ़ी अच्छा लोकेशन है। देख रहे हो, देखो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे झूले हैं और सिटिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा है और बहुत बड़ा पार्क है। आप कभी आइए यहाँ पे तो प्लीज़ चेक करिएगा। तो यहाँ अरविंद बन गए झूले वाले जो कि सबको झूला दे रहे हैं। कितने पे टिकट है भैया? तो कबीर को देखो कैसे एंजॉय कर रहे हैं। कबीर फुल एंजॉय कर रहा है राइड्स को। तो गाइस ये पता नहीं क्या लगा हुआ है, गलगल गलगल, देखो गलगल का पेड़। और यहाँ पे आपको एंजॉय के लिए हर जगह पे म्यूजिक मिलेगा। थोड़ी सी ये लोकेशन है, देखो ऐसी छोटी छोटी काफी अच्छी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे, देख लो। ये है गैलेक्सी रेस्टोरेंट। तो गाइज ये है गैलेक्सी रेस्टोरेंट जिसकी एंट्री आप देखो कितनी सेंटी लग रही है। खाने पीने की इतनी अच्छी स्मेल आ रही है ना, देखो देख रहे हो कितना प्यारा बनाया हुआ है, लिटरली सो गुड। देखो सेटिंग एरिया, आई थिंक ये अभी बन रहा है शायद, ओपन में इन्होंने सेटिंग करनी है। काफी अच्छा रेस्टोरेंट है और ये देखो ये ना रेस्टोरेंट अभी बन रहा है ना, और ये देखो सीटिंग है ऊपर, ऊपर भी सीटिंग है, देखो देखो वो भी आगे बन रहा है अभी। जैसे जैसे अभी एक्चुअली यहाँ पे किसी को पता नहीं है कि इतनी प्यारी जगह है यहाँ पे, तो जब जैसे यहाँ पे टूरिस्ट बढ़ेगा तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा मेंटेन हो जाएगा, और काफ़ी अच्छा मेंटेन किया भी हुआ है, आप चेक करो। तो गाइस ये है देखो रेस्टोरेंट, देखो कितना प्यारा और कच्चा बना हुआ है। गाइस हमने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा, तो हमारा पिज़्ज़ा आ गया। तो गाइस माय सेकंड टेस्ट आ गई नूडल्स और ये शेक। तो गाइस ये है जलंधर टू पठानकोट हाईवे, है ना, ये ऊपर फ्लाईओवर है और ये रास्ता जाता सामने टांडे को, इस साइड आना है हमने, बिल्कुल सामने सीधी रोड जाती है, सीधी, हाँ सीधी रोड जाती है एंजल फार्म। और ये देखो ये ऊपर सारा जो है पठानकोट हाईवे है, बहुत इजी रास्ता है और मैप में जब सर्च करोगे तो वो अंदर अंदर से दिखाता है, पर ये वाला रास्ता बेस्ट है। तो गाइस अभी हम आए हैं डी मार्ट, वो इसलिए कि थोड़ा सा घर की ग्रोसरी लेनी थी, तो वहाँ से सीधा हम जलंधर आ गए हैं डी मार्ट, अब यहाँ से लेंगे
फिर जाएंगे घर। गाइस हमारी शॉपिंग यहाँ रेडी है, तो यहाँ ली है मैंने कॉफी, तो आयरा ने अपने लिए ली है चौकोस। हमारी शॉपिंग हो गई है, अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा घर, अब मिलते हैं घर जाके। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और हम 7 बजे तक घर पहुँच गए थे, और अभी मैंने कबीर को सुला दिया है, और अब बस थोड़ा सा जो सामान लेके आए हैं ग्रोसरी का मैं साथ साथ समेट देती हूँ, प्लस अभी डिनर बनाना है, देखते हैं आज डिनर में क्या बनेगा, क्योंकि कल स्कूल भी है, इनका ऑफिस भी है, तो मुझे कुछ बनाना पड़ेगा ताकि सुबह वो टिफ़िन में ले जाए। तो मिलते फिर। तो गाइज अभी बज रहे रात के 10:30 और हमारा डिनर अब हुआ है, अभी भी आयरा खा रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो आज बनाया पनीर, शाही पनीर देख रहे हो, और ये अभी भी रोटी खा रही है। तो आते ही मैंने खाना बनाया, काफ़ी थक गए थे इसलिए मैंने व्लॉग नहीं शूट किया, खाना खुना बना के और मैंने खा लिया, ये खा रहे हैं फ़िलहाल बच्चे ही खा रहे हैं, अरविंद भी खा चुके हैं, और खाने का भी व्लॉग मैंने इसलिए नहीं बनाया, मुझे याद ही नहीं रहा। चलो अभी याद आया तो मैंने व्लॉग बना दिया। फ़िलहाल मैं करती हूँ अब इस वीडियो को यहाँ पर एंड, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका और मुझे अब एडिटिंग भी करनी है, तो मैं यहाँ करती हूँ इस वीडियो को एंड। आई होप कि आपकी वीडियो मेरी आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।